हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर आई एम किमी चौधरी, योर साइंस टीचर। तो हम क्लास सेवन्थ की बात कर रहे हैं। क्लास सेवन्थ के हम सेकंड चैप्टर में पहुंच चुके थे। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, किस तरह से एनिमल में पोषण पहुंच रहा है। तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी, फिर हमने स्टेप्स पढ़े थे कि मेनली 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी एनिमल्स की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पहुँचने तक के। ठीक है, फर्स्ट पढ़ा था इंजेशन। इंजेशन मतलब किस तरह से एनिमल्स खाने को निगल रहे हैं। ठीक है, दूसरा पड़ा था डाइजेशन। डाइजेशन मतलब किस तरह से हमारी बॉडी में वो खाना पच रहा है, जाके किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, फिर उसके बाद था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में किस तरह से हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन। तो फिफ्थ पड़ा था एसिमिलेशन, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ वो किस तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है और ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी की। ठीक है, लास्ट प्रोसेस था इजेशन। इजेशन मतलब किस तरह से हमारी बॉडी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल रही है। ये मेनली 5 स्टेप्स थे जो कि मैक्सिमम सभी एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस की बात करेंगे, आज हम अपनी बात करेंगे कि आप लोग, हम लोग सब जितने भी ह्यूमंस हैं वो किस तरह से खाना उनकी बॉडी में एंटर करता है, फिर कहाँ जाता है, किस ऑर्गन में जाता है, उस ऑर्गन में क्या प्रोसेस चलती है, फिर खाना किस थ्रू से हमारी अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। तो ये सारी डिटेल हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं, हमारी बॉडी जो भी काम करती है, चाहे आप बच्चा पार्टी खेलती है, कूदती है, फिजिकल वर्क हो या मेंटली वर्क हो, तो उसके लिए क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऊर्जा और एनर्जी आती कहाँ से है, ये आती है हमारे फूड से। ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं वहाँ से ये एनर्जी आती है। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे ये एनर्जी आ रही है। द फूड वी गेट कैन, जो भी हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर कि हमने खाना चपाती डाली मुंह में, वो चबाई, फिर वैसे का वैसा ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, वैसे के वैसे खाना वैसे का वैसा यूज़ हो गया हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर जाके भी बहुत सारे ऑर्गन्स प्रोसेसिंग चलती है जिससे कि खाना अच्छे से पचता है। तो उस प्रोसेसिंग में हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारा फूड है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। सिंपलर मतलब बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और सॉल्युबल मतलब वो पानी में या किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो फूड जो है, फूड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय द बॉडी सेल्स। ठीक है, जो भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो भी ब्लड फ्लो करता है वहाँ तक न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब पोर्शन बचता है वो थ्रो आउट हो जाता है। थ्रो आउट मतलब हमारी बॉडी से आउट हो जाता है, कैसे, फीसिस से या स्टूल से। जो भी, जब भी हम वॉशरूम जाते हैं उसके थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब पोर्शन होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मेनली जनरल बात हो गई। तो जो प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का, वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उनके। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। मेनी स्टेप्स होते हैं इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और जो ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब जो हमारी बॉडी में जो अंग है, अंदर बॉडी के अंदर, विच कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर। ठीक है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन कंस्टिट्यूट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, पहले बात करते हैं हम फूड ट्यूब की। फूड ट्यूब मतलब खाने की जो नली है, जब हमने खाना निकला उसके बाद जो वो नली के थ्रू बाहर जाता है, तो वो कौन कौन सी नली के द्वारा हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है, उसको हम फूड ट्यूब या एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है वक्कल कैविटी। ठीक है, हमारा वक्कल कैविटी मतलब हमारा मुँह, जो हमारा मुँह के थ्रू किस तरह से खाना एंटर होता है। फिर उसके बाद जाता है वो फूड पाइप में। फूड पाइप को हम ओइजोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओइजोफेगस। ठीक है, फिर उसके, उस फूड पाइप के बाद वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली स्टमक में। ठीक है, हमारे पेट में गया, स्टमक में गया, यहाँ पे हमारा डाइजेशन पूरे खाने का होता है, और जो बच जाता है थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वो कहाँ होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी
आंत में वहाँ पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है हमारे सेल्स के थ्रू, ठीक है। फिर जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब पोर्शन बचता है खाने का, वो जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम के थ्रू जाके एनस से एग्जिट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। और बात करें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, जो खाना ये हमारे स्टमक तक गया, तो वहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं? पहला होता है सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरा होता है लीवर, तीसरा होता है पेनक्रियास, और चौथा होता है गॉल ब्लैडर, राइट। ये है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से खाना हमारी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो पहले इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या है, पहले बक्कल कैविटी आती है जहाँ पे खाना एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ जाता है? स्टमक में। ये क्या है? हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक में जाके यहाँ पे सारा प्रोसेस चलता है। डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट्स होते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं और उसको सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में खाने को ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे तोड़ा जाता है खाने को बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पूरी बॉडी में पहुँच जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड, वो ये पतली सी पाइप दिख रही है, इसका बोलते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो स्टमक के बाद कहाँ जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है, बचा होता है, जितना भी एब्जॉर्ब होना होता है यहाँ पे हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी अनएब्जॉर्ब पोर्शन बचता है एट लास्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन, ये है मोटी सी पाइप दिख रही है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाता है। तो इतनी बड़ी जो फूड पाइप दिख रही है, एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है, ये जो ट्रेवल कर रही है, ये कितनी लंबी होती है? 9 मीटर लॉन्ग, ठीक है। 9 मीटर लंबी होती है। ये तो हमने ओपन करके दिखाया है। वैसे इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखिए ज़रा ध्यान से, कि यहाँ पे बक्कल कैविटी से खाना अंदर जाता है, फिर ये फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला लीवर है और इसके नीचे जो दिख रहा है ये है स्टमक। यहाँ पे सारा डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू। फिर इसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ एंटर होता है? अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा? फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर हमारे रेक्टम और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। ये मेनली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है जिसके थ्रू हमारा खाना पचता है, ठीक है।